सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होती है और DFA और NFA में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ इसमें बेसिकली क्या है कि इस वीडियो को देखने से पहले, सबसे पहले अगर जो लोगों ने DFA की वीडियो नहीं देखी प्लीज़ उसको देखिए, उसके बाद यहाँ आएंगे तो ये चीज़ें कम्प्लीटली आपको समझ में आएगी। क्योंकि इसमें क्या है, आपका DFA में क्या होता था, DFA को भी डिफाइन करने के लिए क्या होते हैं, फाइव टपल्स यूज़ करते थे, कैपिटल क्यू, सिग्मा, क्यू नॉट, कैपिटल एफ एंड डेल्टा। यहाँ क्या है, यहाँ चार चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, यानी जो चीज़ DFA में थी एग्जैक्टली NFA में भी होगी। तो क्या बस खाली डिफरेंस किस चीज़ का होगा, आपका ट्रांजिशन फंक्शन, यानी कैपिटल क्यू सिग्मा क्यू नॉट एफ इज़ टोटली सेम जो कि हमारा DFA में था, लेकिन यहाँ क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला कैपिटल क्यू क्या है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, जैसा कि DFA में था। अगर इस यहाँ एक डायग्राम हमने बनाया है, ये एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, कैसे है अभी उसको डिस्कस करते हैं इस पूरे वीडियो में। तो कैपिटल क्यू क्या होता है, सेट ऑफ स्टेट्स, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स प्रेजेंट इन एनी फाइनाइट ऑटोमेटा। तो कैपिटल क्यू विच इज इक्वल्स टू ए एंड बी, यही दो स्टेट है, तो कैपिटल क्यू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्या है आपका, इनपुट अल्फाबेट, यानी इनपुट अल्फाबेट इस NFA के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए कॉमा बी, यानी ये जो NFA डिज़ाइन की गई, NFA किस चीज़ की डिज़ाइन है, अगर इसको हम केयरफुली देखेंगे तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी एंड्स विथ ए, यानी अगर हम कोई भी स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें तो इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग आ रही है, कैपिटल ए पे मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या रीड करके हम बी पर पहुंच रहे हैं, ए, यानी स्मॉल ए। अगर इसको देखेंगे तो ये भी एंड किससे हो रहा था, स्मॉल ए से हो रहा है। नेक्स्ट अगर यहाँ ए रीड करें इस स्टेट से, ये वाला जो सेल्फ लूप है, ए रीड करके इस स्टेट पे, नेक्स्ट ए रीड करके हमको बी पे जाने पड़ेगा, तो टू टाइम्स से। इसमें भी क्या है, एंड में जो आपका सिंबल है वो क्या है, स्मॉल ए। यहाँ से अगर सिंपली बी रीड करें तो बी रीड कर हम स्टेट ए पर ही हैं, यानी स्टेट बी पर, यानी कैपिटल बी तक पहुँचने के लिए हमको ये वाला ए रीड करके तभी यहाँ पहुँचेंगे, तो बी ए हो गया। नेक्स्ट ट्रिपल ए, ओके। नेक्स्ट क्या हो सकता है, ए बी ए, यानी पहला ए इधर रीड किया तब भी इसी स्टेट में, बी रीड किया तभी इस स्टेट में, और इस ए रीड को रीड करके हम कहाँ जाएंगे, कैपिटल बी पे, फाइनल स्टेट पे। तो यानी अगर इसको हम देखें तो ये किस चीज़ के लिए है, किस लैंग्वेज के लिए है, हर वो स्ट्रिंग सिग्मा विच इज इक्वल्स टू ए और बी के कॉम्बिनेशन से जिसकी एंडिंग क्या हो रही है आपकी, स्मॉल ए से हो रही है। यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, क्यों, क्योंकि ए पर हम ए और बी का कॉम्बिनेशन सब कुछ जनरेट करेंगे, लेकिन फाइनल तक पहुंचने के लिए इस स्मॉल ए को रीड करना ही पड़ेगा, ओके। तो ये अब ये चीज़ हो गई, तो यानी इनपुट अल्फाबेट क्या है, ए कॉमा बी, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, क्यू नॉट विच इज इक्वल्स टू कैपिटल ए, ओके। एफ कैपिटल एफ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, तो यहाँ फाइनल स्टेट्स क्या है, ए आपका नॉन फाइनल है, बी आपका फाइनल है, तो फाइनल फाइनल स्टेट्स एक ही हैं, तो यहाँ बी में क्या जाएगा। और जैसा कि ऑलरेडी जानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने DFA में डिटेल में डिस्कस किया था कि कैपिटल क्यू नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी, क्यू नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू एंड एफ इज़ अ सबसेट ऑफ कैपिटल क्यू। रफली देख लें, क्यू नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू का मतलब कि किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा में जो आपकी इनिशियल स्टेट होगी वो एक ही होगी, ना एक से ज़्यादा होगी ना एक से कम होगी। दूसरा, एफ इज़ अ सबसेट ऑफ क्यू, दैट मीन्स सबसेट ऑफ क्यू का मतलब क्या हुआ, सबसेट, सबसेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता, सिंगल एलिमेंट या जितना भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी हो सकता है। तो ए और बी का कॉम्बिनेशन भी कैपिटल एफ हो सकता है, सिंपली कैपिटल ए आपका एफ हो सकता है, कैपिटल बी आपका एफ हो सकता है, या कोई भी स्टेट फाइनल स्टेट नहीं हो सकती, ऐसा DFA में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है DFA और NFA का, वो क्या है आपका, ट्रांजिशन फंक्शन। यहाँ जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है, क्यू क्रॉस सिग्मा गोज टू टू पावर क्यू। DFA में क्या होता था, DFA का जो ट्रांजिशन फंक्शन था वो क्या था, क्यू क्रॉस सिग्मा, क्यू क्रॉस सिग्मा गोज टू कैपिटल क्यू। अब इसको और इसको समझते हैं, यहाँ टू पावर क्यू का क्या मतलब है, ये हमें ऑलरेडी पता है। ऑलरेडी क्या पता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पे होंगे, कोई इनपुट सिंबल लीड करेंगे, किसी पर्टिकुलर स्टेट पे जाएंगे। लेकिन NFA और DFA का डिफरेंस क्या होता है, इसमें दो डिफरेंस होते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टेट पे हैं
कोई भी एक सिंपल इनपुट मान लो स्मॉल एल, या इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं कि नॉन डिटर्मिनिज्म या नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्यों कहते हैं इसको। इसमें दो चीज़ें आती है, दो इंपॉर्टेंट बात जिसको ध्यान से देखना है। कैपिटल ए पे स्मॉल ए रीड किया, कैपिटल ए पे स्मॉल ए इधर भी रीड करके इस स्टेट पे आ रहा है और इधर भी स्टेट पे आ रहा है, ओके। यानी कैपिटल ए पे अगर स्मॉल ए रीड किया तो कौन से स्टेट में ले, कैपिटल ए। और दूसरी तरफ अगर इसी स्टेट से ये स्मॉल ए रीड कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, बी पर, ओके। यानी हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पे हैं, सेम सिंबल रीड कर रहे हैं, दोनों क्या है स्मॉल ए एंड स्मॉल में स्मॉल ए, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ हमें दो डिफरेंट स्टेट मिल रही है जो कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में अलाउड नहीं है। वहाँ क्या होता था, अगर कोई भी एक सिंबल कोई भी एक स्टेट पे हैं, कोई भी एक सिंबल रीड करेंगे तो एग्जैक्टली एक ही स्टेट पे जाएंगे, ना तो उससे ज़्यादा ना तो उससे कम। लेकिन यहाँ अगर मोर देन वन स्टेट मिले किसी भी पर्टिकुलर इनपुट पे तो इसको कहते हैं नॉन डिटर्मिनिज्म, जो कि सिर्फ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में अलाउड है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में अलाउड नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर किसी भी स्टेट में, फॉर एग्जांपल अगर स्टेट बी की बात करें, स्टेट बी पे अगर स्मॉल ए चेक करें तो स्टेट बी पे स्मॉल ए पे कोई ट्रांजिशन डिफाइन नहीं है। तो स्मॉल ए पर अगर कोई ट्रांजिशन डिफाइन नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, फाई। फाई में कोई भी स्टेट नहीं है, अगर कोई स्टेट नहीं मिले इसको यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई से, तो इसको क्या कहते हैं, डेड कॉन्फिगरेशन, डेड कॉन्फिगरेशन, जो कि डीएफए में डिस्कस किए थे कि डेड कॉन्फिगरेशन क्या है। ये आपका, ये दोनों आपका एनएफए में अलाउड होता है बट डीएफए में अलाउड नहीं होता। दोनों का डिफरेंस क्या हुआ कि डीएफए में नॉन डिटर्मिनिज्म यानी किसी भी पर्टिकुलर इनपुट पे मोर देन वन अगर स्टेट मिल रही है तो ये एनएफए में अलाउड है बट डीएफए में अलाउड नहीं है। दैट्स द पॉइंट नंबर वन। सेकेंड पॉइंट कि किसी भी स्टेट पे अगर कोई इनपुट रीड करें उसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई स्टेट ही नहीं मिल रही है तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं, डेड कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आपकी एनएफए में अलाउड है बट डीएफए में अलाउड नहीं है। डीएफए में अलाउड क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ डीएफए में हर एक स्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। हर एक स्टेट कंप्लीट होने का मतलब कि अगर कोई भी एक डीएफए जिसमें दो स्टेट हैं, ओके, यानी कैपिटल क्यू कितना है, दो एलिमेंट है ए एंड बी, और सिग्मा क्या है आपका, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, तो हर एक स्टेट के करस्पॉन्डिंग ये ट्रांजिशन डिफाइन करना कंपलसरी है। इसीलिए डीएफए में डिस्कस करते वक्त एक टर्म यूज़ किया था कि हर एक स्टेट क्या होनी चाहिए, कंप्लीट। तो स्टेट ए पर आपको दोनों ट्रांजिशन दिखाना है, स्टेट बी पर भी ये दोनों ट्रांजिशन दिखाना है। तो अगर कहीं भी डीएफए की बात है तो कैपिटल क्यू और सिग्मा, अगर कैपिटल क्यू में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, दो, और इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, दो, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने आएंगे, टू मल्टीप्लाइड बाई टू विच इज इक्वल्स टू फोर। लेकिन एनएफए में ऐसा ज़रूरी नहीं है, ओके। तो ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं कि इसमें मल्टीपल स्टेट यानी मोर देन वन स्टेट आ सकते हैं या कोई भी स्टेट ना मिले, इसको नॉन डिटर्मिनिज्म कहते हैं और इसको डेड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जो कि एनएफए में अलाउड है बट डीएफए में अलाउड नहीं है, ओके। और हाँ, ये आपका एनएफए है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, ये आपकी ट्रांजिशन टेबल है। अब ट्रांजिशन टेबल के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ये ट्रांजिशन टेबल नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की या डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की। अब इस ट्रांजिशन टेबल को अगर हम ध्यान से देखें तो कैपिटल ए पे वहाँ क्या होता था डीएफए में कि हर एक एंट्री जो भी आपकी नेक्स्ट स्टेट आती थी हर एक एंट्री क्या होती थी आपकी कंप्लीट होती थी। कंप्लीट का मतलब यानी सिंगल एंट्री होती थी, दैट मीन्स यहाँ भी सिंगल एंट्री होगी, यहाँ भी सिंगल एंट्री होगी, यहाँ भी सिंगल एंट्री होगी, यहाँ भी सिंगल एंट्री होगी। सिंगल एंट्री का मतलब कि हर एक स्टेट यानी प्रेजेंट स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो भी इनपुट अल्फाबेट दिया रहेगा वहाँ सिंगल स्टेट आएंगी, ओके। लेकिन यहाँ क्या है, कैपिटल ए के स्मॉल ए पर ये स्टेट मिल रही है और स्मॉल ए पर बी भी मिल रही है, तो यहाँ इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। यानी कैपिटल ए के स्मॉल ए ट्रांजिशन पर स्टेट ए भी मिल रही है, स्टेट बी भी मिल रही है। तो अगर कहीं भी आपको दिख रहा है कि ट्रांजिशन टेबल में अगर मल्टीपल एंट्रीज मिल रही है तो इसका मतलब ये कि आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो अब देखते हैं इसके ट्रांजिशन फंक्शन के बारे में। तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, क्यू क्रॉस सिग्मा गोज टू टू पावर क्यू। अब यहाँ कैपिटल क्यू क्या है, ए कॉमा बी, अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखेंगे कौन कौन सी स्टेट आ सकती है, तो अगर देखें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसमें कोई भी स्टेट ना आए,
एक तरीके से क्या कह सकते हैं, टू टू द पावर क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू के करस्पॉन्डिंग, क्यू अगर हमारा एक और बी है तो टू पावर क्यू का मतलब पावर सेट। पावर सेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज दैट क्यू नॉट विच इज इक्वल्स टू फाइव, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाइव से। तो फाइव एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी स्टेट नहीं आ रही, ये एक इसका सबसेट होता है, यानी इस सेट के अगर सबसेट कैलकुलेट करें, अगर कोई भी एक सेट गिवेन हो उसके करस्पॉन्डिंग अगर इसके सबसेट कैलकुलेट करेंगे उसी को क्या कहते हैं, पावर सेट। क्यू नॉट क्यू वन क्या आएगा, कैपिटल ए एंड क्यू टू विच इज इक्वल्स टू कैपिटल बी एंड क्यू थ्री विच इज इक्वल्स टू ए एंड बी, ये चार पॉसिबिलिटी आएगी इस सेट के करस्पॉन्डिंग अगर इसका, इसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट। इस पूरे कॉम्बिनेशन को पावर सेट कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी स्टेट है, दो स्टेट है ए एंड बी, इसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई भी इनपुट देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ए के करस्पॉन्डिंग हम इनपुट दिए, कोई सा भी इनपुट दें, सिग्मा क्या है यहाँ पे, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी है, तो इस स्टेट यानी ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से देखते हैं कौन कौन सी स्टेट मिल रही है, इस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग, इस डायग्राम सॉरी, इस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग अगर हम कैपिटल ए पर ट्रांजिशन देना है, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए का, तो कौन सी स्टेट मिल रही है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, यहाँ टेबल में बना हुआ, कैपिटल ए के करस्पॉन्डिंग ए पे क्या मिल रहा है, ए और बी, वो क्या है, क्यू थ्री। ओके, कैपिटल ए के स्मॉल बी पे क्या मिल रहा है, कैपिटल ए विच इज इक्वल्स टू क्यू वन। कैपिटल बी के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, कोई भी स्टेट नहीं मिले, कोई भी स्टेट नहीं मिले, दैट मीन्स दिस वन। कैपिटल बी के करस्पॉन्डिंग क्या है आपको, स्मॉल कैपिटल बी के स्मॉल बी के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, कोई भी स्टेट यानी यही मिल रहा है। तो इन्हीं चारों में से इस यानी अगर कोई भी एक सेट दिया हुआ है कैपिटल क्यू और आपको सिग्मा दिया हुआ है ए कॉमा बी, अगर इसके करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन दिखाएंगे तो यही चार पॉसिबिलिटी आएगी, इस डायग्राम को देखें अगर, तो यही चार पॉसिबिलिटी आएगी। और डिफरेंट उसमें अगर मान लो सपोज दैट दिया हुआ है एक कोई सेट आ रहा है, कोई भी एक डी एफ ए है, उसमें टोटल तीन सेट है और ए और बी क्या है, सिग्मा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी पावर सेट निकालेंगे, पावर सेट में क्या आएगा, ये चारों होंगे ही होंगे, साथ ही में क्या आ जाएगा, अगर वन लेंथ की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, एक सी जुड़ जाएगा और ए बी है, फिर टू लेंथ की क्या आ जाएगा आपका, बी सी एंड नेक्स्ट वन वाला क्या आ जाएगा, सी ए या ए सी, और तीसरा क्या आ जाएगा, क्यू फोर फॉर एग्जाम्पल, यानी क्यू फोर नहीं कोई एक, यानी क्यू थ्री में ये तीनों पॉसिबिलिटी हमने लिख दिए, मतलब ये अलग अलग है, यानी ये आपका क्या है, क्यू नॉट है, क्यू वन है, ये क्यू टू है सपोज दैट, ये आपका क्यू थ्री है, ये क्यू फोर है, ये क्यू फाइव है, ये क्यू सिक्स है, और क्यू सेवन क्या हो जाएगा, ए बी सॉरी कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, तो ये टोटल एट कॉम्बिनेशन आएंगे, एट यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर थ्री है तो एट कॉम्बिनेशन का मतलब टू टू द पावर क्यू विच इज इक्वल्स टू टू पावर थ्री विच इज इक्वल्स टू एट एंड सो वन। तो इसलिए इसका ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा, क्यू क्रॉस सिग्मा विच इज इक्वल्स टू 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 द पावर। दैट्स ऑल अबाउट एन एफ ए। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एन एफ ए और डी एफ ए का कन्वर्जन कैसे, यानी कोई भी एक करस्पॉन्डिंग एन एफ ए दिया हुआ है, इससे करस्पॉन्डिंग कैसे डी एफ ए बनाएंगे, यानी कोई भी एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होगी, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटम। ओके, दैट्स ऑल।